नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी मालवा में जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर नर्मदापुरम जिले के विभिन्न विधानसभाओं में भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं द्वारा संगठनात्मक बैठक ली जा रही है। इसी श्रृंखला में मंगलवार को सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 की बैठक भाजपा कार्यालय तिवारी धर्मशाला में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नर्मदापुरम जिला प्रभारी सीमा सिंह जादौन ने ली है। वही आपको बता दें, बैठक में उन्होंने कहा कि ये मंडल से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक है, जिसमें संगठन के कार्यकर्ता और जन प्रतिनिधि शामिल हैं। भाजपा में कार्यकर्ता ही पार्टी की जान है, जिसके चलते भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी हुई है। सीमा सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, रात दिन एक कर समर्पित हो रहे अपने विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिताना है। वहीं उन्होंने महिला मोर्चा से भी कहा कि जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो भाजपा महिला मोर्चा भी जन आशीर्वाद यात्रा को भव्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। आपको बता दें, बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल ने कहा कि सिवनी मालवा विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं और ऐसे ही अब और सक्रिय रहें। सिवनी मालवा के 5 मंडलों से निकाली जाने वाली मोटरसाइकिल रैली द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा भी नगर में ऐतिहासिक स्वागत करेगा। वहीं आपको बता दें, यहाँ का संगठन बहुत सशक्त है और जिसके चलते हम हर चुनाव जीतते आ रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं का आगमन होगा, यात्रा को भव्यता प्रदान हो ऐसा आग्रह है। वर्मा ने कहा कि रैली आम सभा में सिवनी मालवा कभी पीछे नहीं रहा है, ये भी सिवनी मालवा की अभूतपूर्व रैली और आम सभा होगी। सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे, आखिरी समय तक कार्यकर्ता रैली और आम सभा में उपस्थित रहें। वहीं 17 सितंबर 2023 को आने वाली जन आशीर्वाद रैली जनसभा बहुत विशाल होगी। सिवनी मालवा नगर का 1500 का लक्ष्य रखा गया है। जन आशीर्वाद यात्रा और आम सभा भव्य और व्यवस्थित होना चाहिए, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता और आम जन भी शामिल होंगे। देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ 3 तारीख को हुआ था। 5 तारीख में हमारे 5 चरणों में बड़ी यात्रा प्रारंभ हुई। अब उप यात्रा जिले जिले में आ रही है, तो 17 तारीख को सिवनी मालवा विधानसभा में यात्रा प्रवेश कर रही है। आज उसके निमित्त हम लोग यहाँ पे बैठक में, यहाँ पे पूरे कार्य योजना रूपरेखा हमारी बनी है कि यात्रा को भव्य कैसे हम उसका स्वागत करें। यात्रा जो जनता के बीच में से होते हुए जाएगी, जनता को यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, हमने क्या किया जनता के लिए, क्या किया सरकार ने, क्या क्या योजनाओं का लाभ दिया, तो ये यात्राओं के माध्यम से। तो आज हमारे प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का आज यहाँ पे एक विधानसभा स्तर का बैठक हुई है। उस बैठक में सबको काम दिए गए, सबको जिम्मेदारी दी गई है, हर हाथ को काम दिया गया और हर काम को हाथ दिया गया है। ऐसे इसी के निमित्त आज हमारी यहाँ पे बैठक हुई है। और बैठक हमारे यात्रा के प्रभारी भरत सिंह राजपूत जी है, जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी, हमारे सभी प्रदेश के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके निमित्त आज हमारी ये बैठक हुई है। सिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज में।